बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नब्बे की औसन की स्टॉक में करते हुए आजकल लोग शुरू करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेरे पर हूँ। काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग के साथ डेरे पर बहावलपुर से कर आ चुका हूँ और अभी डेरे की लुक जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो सामने सेन था उसमें टफ टाइल्स भी लग चुकी हैं। टफ टाइल्स जो है वो एंड तक लग चुकी थी, यहाँ तक क्यारी है, तो अभी वो सही नहीं लगी थी। ऊपर नीचे का स्टेप बाय स्टेप होता रहता था, इसलिए हमने फिर निकाली उसको। अभी रेत नीचे डालेंगे और मिट्टी ऊपर से ये लगाएंगे अच्छी तरह, और उसके बाद ये टफ टाइल्स हैं ये जो कि छतों पर लगाई जाती हैं टाइल्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइल्स कुछ लग चुकी हैं और कुछ लगने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने गजपद है और नीचे अब मिट्टी और रेत डालकर जो है टाइल्स लगाई जाएंगी ताकि बिल्कुल प्लेन टाइल्स लगे और कोई कमी ना रह जाए। तो देखिए टाइल्स काफ़ी खूबसूरत है जो छतों पर लगाई जाती हैं वो टाइल्स। मम्मी जी मेरी वापसी, मैं जा रहा हूँ घर, मेरा मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा है, उसके मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दियों का हो रहा है, तो मेरी तरफ से आपको एडवांस कर दिया था बाइक, इसलिए मैं जा रहा हूँ। चूँकि एक फ्राइडे है, फ्राइडे को जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं जिसमें छुट्टी होती है, तो मैंने सोचा है जिस वीडियो बनाने, तो बाकी इंशाल्लाह दोस्तों की किसी दिन टाइम लगे तो आजकल टाइम ही नहीं लगता वीडियो बनाने के, तो आगे पीछे ये दूर की बात। हम आते हैं शाम को स्कूल से, ट्यूशन भी वहीं पर पढ़ते हैं, तो ये देखें ये गद्दा जो कि चारा लेकर जा रहा है, एक अंकल जी का चारा है ये, तो गले पर लग रहा है, तो जिस चार हमारी ज़मीन है साइड सबकी ज़मीन है वहाँ से ये इसलिए लेकर आते हैं। ये देखे चीकड़, बारिशों की वजह थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना तो ये जो कच्चे रास्ते होते हैं गाँव के, आप देख सकते हैं, तो जंपी जंपी ये जो हमारी रास्ता है ना जिस पे भी मैं चल रहा हूँ, ये अगर आप सारे गाँव वालों को कहना कि अगर ये बन गए तो भाई साहब हमारे पास सोने पे सो गए, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आने जाने में, चावल लेकर जाने में, ये रास्ता रोड को भी जाता है, इसलिए अगर ये बन जाए तो कई साहब सोने पर सो गए, इसलिए ये बन नहीं रहा, बड़े ही ज़्यादा जंप होते हैं उस पर और ज़्यादा नुकसान होता है कीचड़ और कीचड़। और आप देख सकते हैं ये घर बन रहे जो कि रेत इसी रास्ते के ऊपर पड़ी है, तो माशाल्लाह साथ ही ये मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी टाइलों से सजी हुई मस्जिद है। हमारे गांव में 4 से 5 मस्जिद हैं जिसमें हर मस्जिद में बाजमा कमाया करती है माशाल्लाह, और बाकी गाँव में हमें हरियाली, सर्दियों का मज़ा, बहुत सारी फायदे भी होते हैं, और जो कि गंदगी ख़त्म नहीं होती। ये देख सकते हैं नाली जो गटर का पानी है, गंदा पानी है, वो साथ साथ जा रहा है। इधर से देखें ना अभी सफाई हुई हुई है, तो ये मैं गली में आ गया, यहाँ पर सोलंग है और यहाँ पर ये गंदा पानी जा रहा है, और सामने आप देखें कि रास्ते पर भी ये यहाँ पर रास्ते भी पानी बैठा हुआ है, लेकिन जानवर भी सामने चलते रहते हैं, साथ साथ डेरे होते हैं, तो उस चीज़ का भी मज़ा है बहुत आता है माशाल्लाह। ऐसे ऐसे प्यारे जानवर, इससे भी प्यारे जानवर गांव में देखने को मिलते हैं। तो सर्दियों में क्योंकि मुझे इंतज़ार है सर्दियों में वो मज़ा आता है, सर्दियों में ब्लॉग बनाने के लिए मैं देखता हूँ तो मुझे देख कर ही मेरी हैरानी होती है। और ये जो जिस रास्ते में हमारा घर जाता है ना, यहाँ से सीधा इधर को हमारा घर जाता है, तो उसमें ये जो सबसे बड़ी नाली हो गई है इसमें बाइक भी बड़ी मुश्किलों से गुजरती है, तो ये हमारी थोड़ी सी रुकावट है ये नाली, तो लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है, उसने हमें इतनी नियमतों से नवाजा, उसने हमें घर दिया रहने के लिए, उसने हमें क्या कुछ नहीं दिया, तो छोटी मोटी रुकावटें आती रहती हैं, गन भी आते रहता है, लेकिन हमें फ़ायदे भी माशाल्लाह गाँव में रहने के बहुत सारे हैं। तो ये नहीं कि हर जगह नालियों का बहता हुआ पानी या गंदगी,
सफाई भी बहुत सारी होती है। आप देख सकते हैं बाबा नबी अव्वल है आज, जिसने ईद मिलादुन्नबी, तो जिस जुलूस निकलना था और ये गली बच्चों ने सजा दी हुई है माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारी लग रही है ये। आपको कहने में पता नहीं प्यारी लग रही होगी कि नहीं, लेकिन देखने में माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और ऊपर चुनियाँ लगी हुई हैं, नीचे गली सजी हुई है माशाल्लाह। और ये देखें इतनी बुलंदी पर झंडा लगा हुआ है, जिसके ऊपर काना काबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक लगा हुआ है। और उसके नीचे यहाँ पर इसका डंडा हुआ कहीं लगा हुआ है, ये जो आपको सामने नाली नजर आ रही है, जाते 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 यहाँ पर झंडा लगा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसी के सामने अपना घर, इसका ये इस कलर का गेट है। अगर आपको मेरी लोकेशन का पता है, मेरे घर का पता है, तो ये मेरा घर है, तो आ जाए आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। फाइनली वीडियो बनाते बनाते मुझे पता भी नहीं चला और घर पहुँच चुके हैं। तो सर्दियों में ऐसे ऐसे बिस्तर पर सोने के लिए बड़ा मज़ा है, ऐसे लेटा हुआ और सामने रजाई का मौसम नहीं है, तो ये बस कपड़े वगैरह ही ऊपर करते हैं। और सामने माशाल्लाह